नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे हम लोगों ने कल यूपी बीएड का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस किया था, तो आज मैं और कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो भी पता चल पाए हैं। तो आज हम लोग जो यूपी बीएड में सेकेंड शिफ्ट में प्लस फर्स्ट शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, ये सब सारे फर्स्ट शिफ्ट के हैं। भारत और चीन को कौन सी रेखा है जो अलग करती है, इसके अलावा सबसे गहरी नदी, ठीक है, मानव निर्मित भूड किसने बनाया था, ये सब लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग जो आज की क्वेश्चन है, मतलब जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, उन पे आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, मतलब ऑप्शन दिया हुआ था तो उसमें पूछा गया कि द्वंद्व समास जो है इसमें से कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो सकता है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, ठीक है। अब पूछा नेक्स्ट था हमारा रस में कितने अनुभाव होते हैं, तो रस में पांच अनुभाव होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक और आहार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नेता का स्त्रीलिंग पूछा गया था, तो नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सच्चिदानंद में संधि पूछी गई थी, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, सत प्लस चित प्लस आनंद, और संधि इसमें कौन सी है, व्यंजन संधि है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चारु चंद की चंचल किरणें, इसमें ऐसा कुछ लाइन दी हुई थी और उसमें अलंकार पूछा गया था, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। अब पूछा गया मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य हमारा कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया है। एकल नागरिकता किस देश में से ली गई है, तो ब्रिटिश इंग्लैंड से एकल नागरिकता ली गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समान नागरिकता संहिता किस अनुच्छेद में है, तो ये हमारा अनुच्छेद 44 मतलब आर्टिकल 44 में है, ठीक है। एक बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, वो पूछा गया था किसने लिखी है, तो हार्लोड लास्की है, उन्होंने ये बुक लिखी है। मानव एक राजनीतिक प्राणी है, ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, अरस्तु का ये कथन है। यूएस ओपन 2018 महिला ओपन विजेता कौन रही थी, तो नाओमी ओसाका जो थी वो विजेता रही थी उस टाइम पे। पूछा गया था रक्त की गति किससे मापी जाती है, तो रक्त चाप मापी होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्फाइग्नोमैनोमीटर भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है, तो ये भीष्म पर्व है उसका अंश है। गणतंत्र दिवस के 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो मिस्र के कौन है, राष्ट्रपति है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है, तो ये कुश्ती से संबंधित है, ये सबको ही पता है नॉर्मल। इसके अलावा जो से विभक्ति का प्रयोग करण कारक के अलावा किस में होता है, तो से विभक्ति का करण कारक के अलावा किस में होता है, अपादान में। अपादान में लेकिन क्या होता है, अलगाव दिखाया जाता है, अपादान का सबसे सीधा सा यही है कि इसमें अलगाव दिखाया गया है। जैसे मछली पानी से अलग हुई, तो से आ गया तो अलग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अज्ञ का अर्थ होता है, अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। नेक्स्ट है वर्तमान सरकार में न्याय एवं कानून मंत्री कौन है, तो अर्जुन राम मेघवाल न्याय एवं कानून मंत्री हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किस शहर के निवासी हैं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो रहा है लेकिन जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग है गोरखपुर। अब यहाँ पे पूछा गया था पूजा शब्द का समानार्थी नहीं है, तो ये सारे समानार्थी दिए गए हैं। तो ऑप्शन पे ये भी क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कौन सा था जो इनसे अलग हो सकता है। तो पूजा शब्द के समानार्थी कौन है, पूजन, अर्चना, आराधना, वंदना, उपासना, स्तुति और बहुत सारे होते हैं, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कौन से ऑप्शन दिए गए थे। इसके बाद दंत वर्ण नहीं है, अब दंत ये जो दिए गए हैं ये सब हैं दंत वर्ण, मतलब जो दांतों को स्पर्श करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो दांत स्पर्श होते हैं आपस में, तो अब ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम लोग पता कर पाएंगे कौन सा सही है। तो ये दंत वर्ण तो ये यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन जिस हिसाब से बच्चे ने बताए हैं तो मेरुदंड ऑप्शन सही लग रहा है। यहाँ पे रामायण में श्रुति कीर्ति किसकी पत्नी थी,
रामायण में श्रुति की थी, किसकी पत्नी थी? शत्रुघ्न की पत्नी थी। ठीक है, फा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ, जब फा बोलते हैं तो ओष्ठ मतलब ओठ का प्रयोग होता है। ठीक है, ओ कैसा शब्द है? ये विस्मयादि बोधक शब्द है। ओ अरे आह, ये सब विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। सीधा साधा में समास कौन सा है? कर्मधारय समास है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के योग को कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक शब्द बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यौगिक। हिंदी बहुत सिंपल पूछी गई थी, ज्यादातर जो प्रीवियस क्वेश्चन आंसर है जिन बच्चों ने जैसे यूपी टेट तैयारी करते हैं, नॉर्मल हिंदी जो सारे एग्जाम में आती है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से पूछे गए थे। कविता छंद में वर्ण होते हैं, तो कविता छंद में कौन सा वर्ण होता है? वार्णिक छंद होता है। प्रत्येक चरण में 16 से 15 विराम होते हैं। इसके अलावा वर्ण पूछा गया है तो 31 से 33 वर्ण होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आईएमएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टलिना आईएमएफ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके बाद है कोई, मतलब एक शब्द है, किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, जिसमें मतलब किसी का बोध ना हो, तो उसमें क्या होता है? अनिश्चय वाचक। ठीक है, कला क्षेत्र में 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वाणी जयराम जी को ये पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे एक सिंबल दिया गया था FEUND, इसका मिरर, या फिर हो सकता है कि जल इमेज पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन सही से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको देख लेते हैं। अगर मिरर है तो मिरर के हिसाब से अरेंज हो जाएगा, ऑप्शन देख के हम लोग देख सकते हैं। या जल है तो उसका उल्टा जैसे दिखता है जल में, उस हिसाब से। अब ये मैथ का क्वेश्चन आया था, P बराबर -5 दिया गया था, Q -6 R6, और ये पूछा गया था P² + Q² - R² तो इसको सॉल्व करेंगे तो 155 आएगा। जैसे 5, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसके अलावा आर का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 36। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे रख के, तो ये कितना आएगा? 155। नेक्स्ट लोग देखते हैं, यह संबंध पूछा गया था, जैसे वृत्त चाप से संबंधित है तो फूल किससे संबंधित है? तो यहाँ पे पंखुड़ी ऑप्शन में दिया था, तो फूल हमारा पंखुड़ी से संबंधित हो जाएगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, काफी सिंपल मैथ का क्वेश्चन आया था, इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। तो जितने पॉइंट के बाद हमारा दशमलव लगा हुआ है उतने आगे दशमलव करके हम लोग इसको आंसर दे देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन ये है फिर से, 1 से 100 तक की संख्या में 7 कितनी बार आया? अब 7 पूछा गया, फिर और कुछ पूछा गया है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बाकी ऑप्शन बच्चे बता रहे थे कि 11 दिया गया, 12 दिया गया था, तो ये हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। इसके अलावा इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यहाँ पे दिए गए हैं कि 15, 21, 27। अब इसका आंसर 9 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या फिर इधर से चलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। इसमें पूछा गया था वर्ड कितने हैं, फिर इसके अलावा ये पूछे गए थे कि इसमें से विषम बताओ, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, CPU, विंडोज XP। तो इसमें विषम तो जैसे हमारा विंडोज XP यहाँ पे है, और बाकी ऑप्शन पता नहीं क्या क्या दिए गए थे, क्योंकि हार्ड डिस्क हो गया, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, मतलब ये हार्डवेयर में आ गया। विंडोज XP हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ही अलग लग रहा है यहाँ पे, बाकी ऑप्शन के हिसाब से हम लोग आंसर देख सकते हैं कौन से हैं। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, ये Z1A दिया गया, X2D, V6G, T21J अगला पद पूछा गया था, तो ये अरेंज करने को सीरीज आई हुई थी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो यहाँ पे हो सकता है नंबर्स कुछ इधर उधर हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया था। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग से, जैसे डिस्टेंस हमारा हो गया, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पूछा गया, पजल वगैरह अरेंज करने को जो आते हैं, जैसे अल्फाबेट्स अरेंज करने को हो गए, या फिर नंबर सिस्टम हमारे अरेंज करने को हो गए। इसके अलावा एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके अलावा कंपेयरिंग के भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कौन बड़ा छोटा है, इस प्रकार से। तो पेपर एक तरीके से अगर देखें, दोनों शिफ्ट का एनालिसिस कल भी हम लोगों ने किया था, आज भी किया है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन अगर बच्चे ने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ाई करी है, तो आराम से अच्छे खासे नंबर ला के गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट
ले सकता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पेपर आया है, बाकी इसकी आंसर की आएगी तब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। और किसी प्रकार के अपडेट के लिए एनालिसिस के बने रहिए HN अध्ययन से। और अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन लगता है कि कुछ गड़बड़ है या फिर सही नहीं है तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे और ज़्यादा बच्चों के पास इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या जो अपडेट्स होते हैं वो पहुंच सके। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहिए HN अध्ययन से।